सदर पुलिस थाना अंतर्गत विनय भंग का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिरियाद की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने दी। इस वक्त उन्होंने घटना की पूरी जानकारी भी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को सदर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामीण पानी पुरोठा उप विभागीय कार्यालय में आरोपी मुन्ना उर्फ मुस्ताफ पटेल निवासी जाफरनगर ये कुछ काम न होते हुए भी फिरियादी के ऑफिस पहुंचा और फिरियादी से कहा कि आपने कुछ दिया नहीं। ऐसा कहने के बाद फिरियादी ने उन्हें जवाब दिया कि साहब से जाकर बात करी। इस बात को सुनने के बाद आरोपी ने फिरियादी से अश्लील गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस आधार पर फिरियादी ने सदर पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। याच्यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग ऑफिस सिव्हिल लाईन नागपूर मधले महिला अधिकारी आहेत, त्यांच्याकडे आरोपी मुन्ना पटेल राहणार जाफरनगर हा व्यक्ती गेला आणि मार्च महिना खतम व्हा आपने पैसे नाही दिया असे म्हटला, त्यावरून फिर्यादीने आमच्या साहेबांची बोला असे म्हटल्यावर अश्लील भाषेत सदर व्यक्तीने त्या महिलेशी बोलून शिवीगाळ केली। अशा प्रकारच्या फिर्यादीवरून सदर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याच्यामध्ये सेक्शन आहे 354A, 385, 448, 294 आणि कोविड संदर्भातले सगळे सेक्शन 188, 269 वगैरे लागू करण्यात आलेले आहे। आरोपी यूट्यूबचा पत्रकार असल्याचं सांगतो आणि अद्याप तो अटक नाही आहे, अटकेचे प्रयत्न चालू आहेत। आरोपी ने फिरियादी को बताया कि वो एक पत्रकार है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उसका चैनल है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। वह इस संदर्भ में आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।